नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हजारों मवेशियों को निगल चुका है लंपी वायरस। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में सब कुछ। देश में केंद्र सरकार के साथ साथ 12 राज्यों की सरकारें अब लंपी वायरस से निपटने में लगी हैं, जो अब तक हजारों मवेशियों की जान ले चुका है। आइए जानते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस है क्या। देश के 12 राज्यों में इन दिनों लंपी वायरस नामक बीमारी पशुओं को निगल रही है। खासकर राजस्थान में इसका कहर टूट रहा है। राज्य में 57,000 मवेशियों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश के अन्य हिस्सों में मवेशियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी इस वायरस की रोकथाम के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। दिल्ली सरकार भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लंपी वायरस से निपटने के लिए सभी 12 राज्यों से समन्वयन स्थापित किया जा रहा है। आखिर क्या है लंपी वायरस जिसने राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों तक तबाही मचाई है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। कैपरी पॉक्स वायरस को लंपी वायरस के तौर पर जाना जाता है। इसे ढेलेदार त्वचा रोग वायरस भी कहते हैं। इस वायरस की शुरुआत पॉक्स विरिडाए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के परिवार से होती है। पॉक्स विरिडाए को पॉक्स वायरस भी कहते हैं। इसके प्राकृतिक मेजबान रीढ़ और बिना रीढ़ वाले जंतु होते हैं। इस परिवार में वर्तमान में 83 प्रजातियां हैं, जो 22 पीढ़ी और 2 उप परिवारों में विभाजित हैं। इस परिवार से जुड़ी बीमारियों में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक भी शामिल है। कैपरी पॉक्स वायरस पॉक्स विरिडाए परिवार के एक उप परिवार कार्डोपॉक्स विरिडाए के वायरसों की जीनस है। वायरस के जैविक वर्गीकरण के लिए जीनस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में इसे विषाणुओं की जाति कहते हैं। जीनस में 3 प्रजातियां होती हैं, सीप पॉक्स, गोट पॉक्स और लंपी स्किन डिजीज वायरस, जिसे LSDV भी कहा जाता है। पशु स्वास्थ्य के लिए WHO ने इस बीमारी को अधिसूचित किया है। ये वायरस पशुओं की खाल पर संक्रमण फैलाते हैं। कैमल पॉक्स, हॉर्स पॉक्स और एवियन पॉक्स के साथ इनका सीरम संबंध नहीं होता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिराफ और इम्पाला भी लंपी वायरस से बेहद ग्रहणशील होते हैं। यह वायरस एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। कीट पतंगे इसके लिए रोगवाहक के रूप में काम करते हैं, जो इस बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु में फैला देते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इंसान कैपरी पॉक्स वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लंपी पॉक्स वायरस के लक्षण क्या है। आमतौर पर पशुओं की खाल में गांधे पड़ जाती हैं, फिर उसमें पस आ जाता है। घाव आखिर में खुजली वाली पपड़ी बन जाते हैं, जिस पर वायरस महीनों तक बना रहता है। यह वायरस जानवर की लार, नाक के स्त्राव और दूध में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा पशुओं की लसीका ग्रंथियों में सूजन आना, बुखार आना, अत्यधिक लार आना और आँख आना वायरस के अन्य लक्षण हैं। अब चर्चा करेंगे कि आखिर लंपी वायरस का इलाज क्या है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका के देश केन्या में सीप पॉक्स और गोट पॉक्स के लिए बने टीके कैपरी पॉक्स के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि कैपरी पॉक्स वायरस सिंगल सीरोटाइप होता है, इसलिए वैक्सीन का असर लंबा चलता है। पशुओं में बीमारी फैलने पर उन्हें पृथक रखने की सलाह दी जाती है। भारत में इस वायरस के लिए पशुओं के गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज दी जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि लंपी वायरस को लेकर सभी 12 राज्यों की मांग के अनुसार गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई है। पहले राज्य सरकारें इसे खुद खरीद रही थीं, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन खरीदी जा रही है। इसमें केंद्र 60% और राज्य सरकारें 40% का खर्चा उठा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में करीब 200 गायों की लंपी वायरस से मौत हो चुकी है। 21,000 गायें इससे संक्रमित बताई जा रही है। मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में इसका संक्रमण ज्यादा देखा जा रहा है। दूसरे राज्यों से पशु लाने और पशु मेले पर रोक लगाई जा चुकी है। प्रभावित जिलों में भी पशुओं के यातायात पर भी रोक लगा दी गई है। प्रभावित जिलों में वेटनरी एम्बुलेंस काम कर रही है। प्रभावित जिलों में 17,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं।
कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर लंपी वायरस से बचाव के लिए कई जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए जा चुके हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। वायरस की मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए वायरस के प्रभाव और संक्रमण के प्रसार पर नजर रखी जा रही है। अब आइए जानते हैं कि आखिर हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश भोपाल में राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सरकार ने इमरजेंसी नंबर 07552767583 जारी किया है, जिस पर कॉल करके किसान परेशानियां बता सकते हैं। लंपी वायरस के प्रकोप से पंजाब में दूध का उत्पादन भी घट गया है। पंजाब में प्रगतिशील डेयरी किसान संघ यानी PDAF ने कहा है कि इस बीमारी की वजह से राज्य में दूध उत्पादन 15-20% तक घट गया है। राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से 1,26,000 मवेशी प्रभावित हुए हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा मवेशी इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि PDFA का कहना है कि लंपी बीमारी की वजह से पंजाब में अब तक 1,00,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से प्रभावित राज्य के प्रमुख जिलों में फलजिका, फरीदकोट, बठिंडा और तरन तारण है। लंपी वायरस को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। कंट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी की जा चुकी है। मंत्री ने कहा, हमने एक कंट्रोल रूम भी सेटअप किया है और 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है। अगर आवारा पशु में या फिर उसके आसपास आइसोलेशन की जगह नहीं है तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद कर सकते हैं। जानवरों में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस संक्रमण को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है, वहीं अब इसका असर दिल्ली में भी दिख रहा है। अभी तक दिल्ली में भी 173 मामले आ चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।